हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं जा रही हूँ तीज के लिए, सो चलो साथ में रेडी होते। सो मैंने मेरी वॉच पहन ली और ब्रेसलेट पहन लिया और फेस थोड़ा डल लग रहा था इसलिए मैंने पाउडर लगा लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम बंजारा तीज कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और आज तीज का है ना खाना है, आज तीज का कुछ तो भी 4th 5th डे है। मैं एक काम की वजह से 2-3 दिनों से जा नहीं पाई और घर पर हमारे छोटा सा बेबी भी आया हुआ है तो इस वजह से भी नहीं जा पाई मैं। तो इस वीडियो में आप सबको मैं बताऊंगी कि हम तीज कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे उसे उगाते हैं। और फिर मैं रेडी होके निकल गई तीज को जाने के लिए। मैंने बाल वगैरह भी बना लिए, मेकअप भी थोड़ा सा कर लिया और फिर हम हमारे प्यारे से जूली और रानी को बाय बाय करके निकल गई। एंड मुझे भैया के साथ जाना था दुकान में और दुकान से फिर वहाँ जाना था तीज के लिए टी पॉइंट पर। फिर अंकल ने कहा कि अपनी गाड़ी में चली जा, तो फिर मुझे अंकल ने ड्रॉप कर दिया। फिर हम निकल गए जाने के लिए, यही पास में ही था, ज़्यादा कुछ दूर नहीं था। और फिर हम वहाँ चले गए और जाते ही मुझे दादी ने खाना खाने के लिए बिठा दिया। तो मैं खाना खाते समय शूट तो नहीं कर पाई बट मैंने एक शॉट ले लिया छोटा सा। और ये हमारी तीज देखो कितने अच्छे से ग्रीन ग्रीन हो चुकी है और पूरी उग चुकी है। फिर मैंने हमारे थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए, मैंने सोलो निकाले, ग्रुप निकाले। और ये देखो हम बंजारा गीत कैसे बोलते हैं और तीज को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो घड़िए करम ले दो मन रो रो न तेरिए तीज, घड़िए करम ले दो मारी उसे मनेरी तीज, घड़िए करम ले दो मारी उसे मनेरी तीज, घड़िए करम ले दो। सो इसी तरीके से गीत गा के तीज की पूजा करी जाती है और कुंवारी लड़कियां तीज पेरती है। और हर दिन 7 से 8 दिन सभी लड़कियां मिलकर एक गीत गाते हुए डांस करती हुए पानी लाने के लिए जाती है और वो पानी सुबह शाम तीज को डालती है। फिर 7 से 8 दिनों में वो तीज उग जाती है और फिर जन्माष्टमी होने के बाद उसके दूसरे या तीसरे दिन तीज तोड़ के हम उसे नदी में विसर्जित करते हैं और उसे हम ढम्बोली बोलते हैं। तो जब ढम्बोली होंगी तो उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून गाइस। तो इसे तीज कहा जाता है और हम इसे लेके डांस करते हैं। और ये देखो कितने अच्छे से ये उग चुकी है, हरी भरी हो चुकी है। फिर हम सब ने फोटोज निकाले ग्रुप वगैरह। एंड देन मुझे जाना था घर पे, सो फिर मैं मेरे कजिन सिस्टर के यहाँ गई, उनके यहाँ थोड़ी देर बैठे, मैंने भाभी ने थोड़े बातचीत की एंड फिर मैं घर पे चली गई। मुझे भाई भी लेने को आया था एंड मुझे थोड़ा मार्केट में काम था तो मैं मार्केट में भी गई थी। मेरी राखियाँ खत्म हो गई थी तो मैंने राखियाँ ली। और ये जन्माष्टमी के लिए कितने अच्छे अच्छे छोटे छोटे कृष्णा के ड्रेसेस आए थे और डेकोरेशन का थोड़ा सामान था। और फिर मैं घर पे चली गई और घर पे जाके मैंने ड्रेस चेंज किया और मैं ऐसे ही सो गई। और फिर शाम को मैं उठी तो मेरा चेहरे पे अभी भी मेकअप है ही गाइज, और बाल भी सब खराब हो गए। सो चलो अभी जाना है मुझे वापस, तो रेडी होते हैं। सो मैंने ये सिंपल सा ड्रेस पहना और इसके ऊपर का दुपट्टा नहीं मिल रहा था तो उसके सिमिलर एक मिल गया और उसका सेम सेम मैचिंग मैंने बैंगल्स भी पहन लिया। और फिर मेरा मेकअप तो ऑलरेडी था ही था इसलिए मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया, ये मामा अर्थ की है बट आई डोंट नो इसका शेड, मैं भूल गई हूँ अभी तो, बट मस्त शेड है और बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये। और फिर मैं रेडी होके चली गई एंड जीजू ने मुझे छोड़ा तीज के लिए क्योंकि थोड़ा सा दूर है बट ज़्यादा भी नहीं है दूर। और फिर हम चले गए। सो है ना घर का आज कोई नहीं आया, आज सुबह भी मैं अकेली गई और अभी मैं अकेली जा रही हूँ। तो जब मैं गई सब लोग डांस कर रहे थे तो हम भी उसमें ज्वाइन हो गए और हमने भी डांस किया। सो देखो हमारा डांस।
जाना सर। डांस होने के बाद सब अपने अपने तीज लेकर बैठ गए और उसकी पूजा की हम सब ने। तो ये हम सब की तीज एकदम अच्छे से हरी भरी हो चुकी है और अभी 2 दिनों में हम इसे विसर्जित करने वाले हैं, तो उसका व्लॉग में मैं जरूर बनाऊंगी, तो वो भी देखना। तो फिर मेरे तीज की पूजा मेरे कजिन सिस्टर ने की। Thank you.